विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भंडारा जिले की ओर से 1 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 तक श्री राम लला के दिव्य प्राण प्रतिष्ठा उत्सव निमित्त मेरा गांव मेरी अयोध्या अभियान चलाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या से आए हुए अक्षत का निमंत्रण 1 जनवरी से 15 जनवरी तक संपूर्ण भंडारा जिले में लगभग 700 गांव तक तथा 180,000 से अधिक घरों तक जाकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मातृशक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा जिले की सनातनी धर्म प्रेमी राम भक्त जनता को दिया गया। अपने गांव के परिसर के मंदिर को अयोध्या का राम मंदिर समझकर 22 जनवरी को उस मंदिर में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के समय सभी लोग एकत्रित होकर प्राण प्रतिष्ठा का सजीव प्रसारण देखे, साथ ही भजन कीर्तन कर श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद की प्रथम आरती सब लोग साथ करे, ऐसा संदेश इस अक्षत वितरण के माध्यम से घर घर पहुँचाने का कार्य किया गया। 22 जनवरी को शाम को सभी समाज के सभी जन अपने अपने घरों में मंदिरों में दीपावली मनाते हुए दीप जलाए, हर परिवार कम से कम 5 दीप अपने घर जलाए, रंगोलियां डाले, सजावट करे, ध्वज पताका लगाए, ऐसा निवेदन भी विश्व हिंदू परिषद भंडारा जिला द्वारा समस्त जनता को किया जा रहा है। भंडारा जिले के अक्षत वितरण अभियान के प्रमुख डॉक्टर राकेश सेलोकर, जिला मंत्री अभियान संयोजक प्रकाश पांडे, इनके द्वारा जिले की समस्त धर्म प्रेमी जनता को आह्वान किया जा रहा है कि 500 वर्ष की सतत संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद हम सबके जीवन में आ रहे इस दिव्य अवसर पर सभी जन मिलकर 22 जनवरी को उत्साह आनंद भक्तिमय वातावरण बनाकर प्रभु श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर को अविस्मरणीय बनाएं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा 22 जनवरी के सभी कार्यक्रम मंदिर केंद्रित और घरों पर दीपावली मनाने जैसे रखे गए हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा किसी भी रैली विजयोत्सव विजय जुलूस शोभा यात्रा का आयोजन नहीं किया जा रहा है। सभी जन मंदिरों में जाकर भक्ति भाव से इस दिव्य उत्सव को मनाए यह विनंती समस्त जिले की धर्म प्रेमी जनता से की जा रही है। मेरा नाम भूमेश्वरी साकुरे, दुर्गा वाहिनी प्रांत संयोजिका विदर्भ प्रांत। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्रतिष्ठापना जो होने जा रही है अयोध्या में, उस विषय पे आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इसमें बताया गया कि हम सब अयोध्या में नहीं जा सकते हैं, पर हमारा घर, हमारी बस्ती, हमारा मंदिर, ये सभी जगह पे हमें अयोध्या जैसे वातावरण निर्माण करना है। और 500 साल बाद जो हमारे रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, इसलिए पूरे भारतवर्ष में हम दिवाली जैसा महोत्सव मनाएंगे और वो भी शांतिपूर्वक मनाएंगे, ऐसा सभी से निवेदन है। सभी लोगों से, सभी राम भक्तों से ये मेरा आह्वान है, हमारे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये आह्वान है कि हमारे पास के जो मंदिर है, हमारे घर के पास जो मंदिर है, उसकी स्वच्छता करके वह हमारे घर में 5 दिए लगाएंगे, वैसे ही 5 दिए अपने मंदिर में जाके हम देव दिवाली मनाएंगे। डॉक्टर राकेश सलोकर, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद भंडारा। 22 जनवरी को श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाला है। उस वजह से 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घर घर हमने अक्षता पहुँचाए। करीब भंडारा जिले में 700 गांव तक हमने अक्षता वितरित की, घर घर अक्षता वितरित की। फिर राम लल्ला का पंचम राम दरबार फोटो हमने 700 गांव तक हर मंदिर में दिया है। और 22 जनवरी को सवेरे से शाम तक अपना सवेरे सड़ा सर्व रंगोली और रामधुन और 12:38 बजे राम लल्ला की आरती होने वाली है। तब लाइव प्रसारण भजन श्री राम स्तोत्र और 108 वेड़ा श्री राम मंत्र श्री राम जय राम जय राम जय जय राम का जाप करना है। और शाम को महाप्रसाद, हर घर में दीपोत्सव हो जाए। कम से कम 5 दीपक अपने घर के सामने और 5 दीपक अपने नजदीक के मंदिर में लगाने की वजह से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151 7577 पर।